ये स्पेलिंग रॉन्ग है, आपने बताया नहीं उन्हें? मैंने बताया लेकिन वो बेचारा भी क्या करता, उसको बेगम लफ्ज ही पहला बार सुना होगा शायद उसने। या अल्लाह। नफ्स का तस्किया क्या है? कि अपनी नफ्स को हर उस चीज से रोकना जिसे अल्लाह ने ना करने का हुक्म दिया है। जैसे कि अगर आप यहाँ बैठे हैं और आपके सामने से कोई गैर महरम निकल रहा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसी वक्त अपनी नज़रें झुका लें। जब आप उस वक्त अपनी नज़रें झुका लेते हो, अल्लाह पाक आपके पुराने सारे गुनाह माफ़ कर देता है। इसी तरह से अपने कानों से वही चीज़ सुनो जिसे अल्लाह ने इजाज़त दी है, और उन चीज़ों से बचो जिसे अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी है। अपने हाथों को भी उसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करो जिसे अल्लाह ने इजाज़त दी है, और उसी उस चीज़ों में ना इस्तेमाल करो जिसे अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी है। यही होता है जब आप इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, तब आप जब अपनी नमाज भी पढ़ते हो, आप देखोगे बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे मैं नमाज पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, और जब मैं नमाज पढ़ती हूँ तो मेरा ध्यान नमाज से निकल जाता है, या मैं कुछ और ख्यालात में खो जाती हूँ या खो जाता हूँ। हम लोगों के साथ, मेरे साथ भी बहुत हुआ है, हम सबके साथ हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमारी नमाज में अफेक्ट करती है और हमारी नमाज को उस तरीके से होने नहीं देती। तो इसीलिए हमें अपने नफ्स का तस्कीरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप देखोगे जब आप ये सब करोगे कि आपकी तिलावत में, आपकी इबादत में एक अलग ही मज़ा आ जाएगा। इसीलिए अल्लाह पाक कहते हैं ना, अगर देख देख कर मेरी रियायत के हिसाब से आप ज़िंदगी गुजारोगे तो आप कामयाब होगे। और कामयाबी कौन देता है? अल्लाह। हम कामयाब होने के लायक ही नहीं है खुद से। रिस्क अल्लाह देता है, कामयाबी अल्लाह देता है, इज्जत दौलत शोहरत जिल्लत हर चीज़ का मालिक अल्लाह है। तो आप कोशिश करें कि आप अपनी नफ्स पे कंट्रोल करें और अल्लाह की सारी बरकतों का मज़ा लें।